Good morning, students. It is an English class. In today's class, we are going to start a new topic, use of in and on. इस क्लास में आज हम लोग जानेंगे कि in and on का मतलब क्या होता है और इसको कहाँ use किया जाता है. And today, we are going to learn uses of in. आज की क्लास में हम लोग सिर्फ uses of in के बारे में पढ़ेंगे. In means क्या होता है? In की spelling होती है IN, in. IN, in. In का मतलब होता है अंदर. In का मतलब क्या होता है? अंदर. जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है तो उसको बताने के लिए हम लोग इन का यूज करते हैं. ओके, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसके हेल्प से हम लोग समझेंगे कि इन का यूज कैसे और कहाँ किया जा सकता है. सो लेट्स बिगेन आ क्लास. यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर, आप देख सकते हैं एक डॉग है, एक बोट है. डॉग कहाँ है? बोट के ऊपर, बोट के अंदर बैठा हुआ है, राइट. जब डॉग बोट के अंदर है तो इसका सेंटेंस आप देख सकते हैं, लिखा है आ डी ओ जी डॉग, आई एन एन आ बी ओ ए टी बोट, अ डॉग इन आ बोट. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पिंक कलर से इन लिखा हुआ है. तो इन क्या इंडिकेट कर रहा है? डॉग बैठ है, कहाँ पर है? ये बोट के अंदर है. डॉग कहाँ पर है? बोट के अंदर. अब किसी, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है तो उसको बताने के लिए हम लोग इन का यूज़ करते हैं. अ डॉग इन अ बोट मीन्स डॉग बोट के अंदर है. उसी तरह से आप देख सकते हैं सेकेंड पिक्चर में एक शर्ट है, शर्ट की पॉकेट में एक नोट रखी हुई है, पॉकेट के अंदर है, ऐसा पॉकेट के अंदर है. और जब किसी कोई चीज़ अंदर होती है उसको बताने के लिए हम लोग इन का यूज़ करते हैं. आ एन ओ टी ई नोट, एन ओ टी ई नोट, आई एन एन आ पी ओ सी के ई टी पॉकेट. ओके, अ नोट इन अ पॉकेट. तो ये सेंटेंस हमें क्या बता रहा है? कि एक नोट है वो कहाँ है? पॉकेट के अंदर है. और अंदर बताने के लिए सेंटेंस में किसका यूज हुआ है? आई एन इन का यूज हो रहा है. ओके, तो अ नोट इन अ पॉकेट का मतलब है नोट पॉकेट के अंदर है. थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं एक फिश है जो बास्केट के अंदर है. इसके अंदर है, बास्केट के अंदर रखी हुई है. तो आप सेंटेंस क्या लिखा है? आ एफ आई एस एच फिश, आई एन एन आ बी ए एस के ई टी बास्केट, अ फिश इन अ बास्केट. मतलब एक जो मछली है वो बास्केट के अंदर है. तो अंदर बताने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? इन का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर इन लिखा हुआ है. ओके, अ फिश इन अ बास्केट. आई होप आपको ये थ्री एग्जाम्पल से ये समझ में आ गया होगा कि इनका यूज़ कैसे करना है. जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो तो वहाँ पर हमें इनका यूज़ करना है. ओके किड्स, अभी हम लोग एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे, उससे हमें ये चीज़ और क्लियरली समझ में आ जाएगी. नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज यूज ऑफ इन. अभी हमने इनका यूज़ कहाँ होता है, इनका क्या मतलब होता है ये पढ़ा. अब हम उसकी एक रिटन प्रैक्टिस करेंगे. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन द टुडेज डेट. टुडे इज 31st October 2020. आज की डेट मेंशन करना है एंड हेडिंग मेंशन करना है. ओके, सो वन बाय वन एक एक सेंटेंस अब हम लोग पढ़ेंगे. ओके, ये क्या है आप देख सकते हैं? आइसक्रीम है. आइसक्रीम डैश द कोन. आइसक्रीम आप देख सकते हैं किसके अंदर है? कोन के अंदर. कोन के अंदर आइसक्रीम भरता है, राइट. तो आइसक्रीम इन द कोन, तो क्या सेंटेंस बनेगा? आइसक्रीम इन द कोन. तो यहाँ पर हम लोगों को क्या फिल करना है ब्लैंक में? इन. और इन की स्पेलिंग क्या होती है? आई एन इन. आइसक्रीम इन द कोन मतलब आइसक्रीम कोन के अंदर है. ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक मग है, मग के अंदर एक बग है. व्हाट इज अ बग? बग इज एन इंसेक्ट. ओके, बग एक इंसेक्ट होता है. तो एक मग के अंदर एक बग आ गया है, तो बग डैश द मग. मत तो यहाँ पर डैश में क्या फिल करेंगे? आई एन इन, बग इन द मग. तो यहाँ पर हम लोग आई
एन इन लिख देंगे। तो क्या हुआ है, बग कहाँ है, मग के अंदर, बग इन द मग। द थर्ड सेंटेंस इज पेंसिल डैश द बॉक्स। आप देख सकते हैं एक पेंसिल है वो बॉक्स के अंदर है, राइट। पेंसिल बॉक्स के अंदर है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती तो हम लोग इन का यूज़ करते हैं, तो पेंसिल इन द बॉक्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, इन, आई एन इन, पेंसिल इन द बॉक्स, मतलब पेंसिल बॉक्स के अंदर है। फोर्थ एंड द लास्ट सेंटेंस इज फ्लावर डैश द बास्केट। आप देख सकते हैं एक बास्केट है, बास्केट के अंदर एक फ्लावर है, तो बास्केट के अंदर फ्लावर है, राइट। तो फ्लावर इन द बास्केट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आई एन इन, ओके। तो इस तरह से हमारे सारे सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। आइसक्रीम इन द कोन, बग इन द मग, पेंसिल इन द बॉक्स, फ्लावर इन द बास्केट, ओके। सो पेरेंट्स प्लीज प्रिपेयर दिस वर्कशीट इन योर वर्ड्स नोटबुक एंड लेट देम डू द एक्सरसाइज बाय देयर ओन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।